بسم الله الرحمن الرحيم. Dear students, welcome to Excellence Online Education. Dear students, last class में हमने evolution की बात की. अब तक हम kingdom plant के जो दो बड़े division होते हैं, bryophytes and trichophytes, हमने उनके general factors को study किया. फिर bryophytes के तीन groups हमने आपको बताए, liver birds यानी कि party seed, mosky और anthocene, और हमने उनके भी characters को study किया. जबकि trichophytes के पांच एवोल्यूशन पर अभी मजीद हमने कुछ डिस्कशन करना है. जब हम आखिरी जो हमारी ट्रेशन फाइट की क्लास है इस पर मैटोसीडा, उसको जब हम स्टडी करेंगे तो तब हम देखेंगे क्योंकि बी और सी की एवोल्यूशन हमारे पास. आज की क्लास में हम जरा लाइफ साइकिल स्टडी करेंगे. हमारे पास कौन कौन सी लाइफ साइकिल है, सबसे पहले बात करेंगे हम फुनेरिया प्लांट. तो फुनेरिया की लाइफ साइकिल हमारे पास सबसे पहले मौजूद है. ये फुनेरिया जो है, ये डायग्राम आपके सामने मौजूद है. फुनेरिया जो है वो मुस्की से ताल्लुक है, या इसको हम ऑफिस भी कहते हैं. आपको याद होगा ब्रायोफाइट जो डिवीजन है उसके तीन में से एक ग्रुप होता है मुस्की या मुस्की, ठीक है. और चूंकि ये ब्रायोफाइट का ग्रुप है, लिहाजा फुनेरिया के अंदर ब्रायोफाइट के जनरल फैक्टर्स आ जाते हैं. यानी कि ये नॉन वैस्कुलर प्लांट होता है, इसके पास जो है वो नहीं होते, और इसका जो मेन प्लांट होता है वो कैम्पियोफाइट होता है, ठीक है. तो इसमें जो है ब्रायोफाइट्स वाले कैरेक्टर्स आ जाएंगे, यानी कि नॉन वैस्कुलर होता है, उसके अलावा इनके पास जो है वो स्टेम बीज नहीं होते. इनके पास जो है उसकी जगह राइजोइड्स होती है, जिनसे ये वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, एब्जॉर्ब वाटर. जबकि ट्रू स्टेम और बीज तो मौजूद नहीं होते. इनके पास हम कहते हैं सीडो स्टेम और बीज, यानी कि रूट और सॉरी स्टेम और बीज की तरह का स्ट्रक्चर होता है, जो कि पूरा परफेक्ट स्टेम और स्टेम जो है वो अपने ग्रीन होता है, वो सेंस करता है और वो स्टेम की पॉलिसी थोड़ी होती है. इट इज नॉट स्टेम एंड बी. और अब हम फिर इसकी लाइफ साइकिल की तरफ आए, उससे पहले तो इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं. अगर ये आपके पास डायग्राम है, ठीक है, तो फाइट के स्ट्रक्चर में नीचे आप देख रहे हैं राइट वाइट में, उसके बाद इनसे ये वाटर एब्जॉर्ब करता है. उसके बाद ये जो है ये इनका स्टेम है, और इसमें से ये निकल रहे हैं. तो ये इसका स्ट्रक्चर हो गया जी. मेन प्लांट इसका गैमेटोफाइट होता है, इट इज डायोशियस. ये डायोशियस होता है, यानी कि इसका जो मेल गैमेटोफाइट है और फीमेल गैमेटोफाइट वो अलग अलग प्लांट बॉडी के अंदर मौजूद होता है. तो सेपरेट सेक्सेस कह लेते हैं इसको. इनके सेपरेट सेक्सेस होते हैं, मेल अलग होता है, फीमेल गैमेटोफाइट वो अलग होता है. तो मेन प्लांट इनका जो होता है वो गैमेटोफाइट होता है और डायोशियस होते हैं. तो इसका मतलब इनका मेल जो है वो अलग होता है और फीमेल जो है. तो ये देखें जी, यहाँ से इसकी लाइफ साइकिल को स्टार्ट करते हैं. ये इसकी गैमेटोफाइटिक जनरेशन है, ये इसकी जो है वो गैमेटोफाइटिक जनरेशन है, जिसमें क्रोमोसोम की तादाद एन होगी. ये चूंकि डायोशियस है तो देख लें कि मेल प्लांट अलग है और फीमेल प्लांट जो है गैमेटोफाइट अलग है. दोनों स्ट्रक्चरली सिमिलर होते हैं, दोनों के पास राइजोइड्स होती है, सीडो स्टेम होता है और सीडो सीड होता है. इनके जो सेक्स ऑर्गन होते हैं, यानी कि मेल का सेक्स ऑर्गन आप जानते हैं एंथीलिया कहलाता है, और फीमेल का सेक्स ऑर्गन जो है वो आर्ची कोरिया कहलाता है. तो वो टिप पर मौजूद है, ये टिप पर मौजूद है. ये मेल प्लांट का है और ये फीमेल प्लांट का टिप है. तो मेल प्लांट पर यहाँ मौजूद होता है मेल गैमेटोफाइट, सॉरी मेल सेक्स ऑर्गन जिसको कहते हैं एंथीलिया, जबकि फीमेल गैमेटोफाइट की जो टिप है यहाँ फीमेल सेक्स ऑर्गन पाया जाएगा, जिसको हम कहते हैं आर्ची कोरिया, ठीक है. तो इनका एंथीलिया और आर्ची कोरिया इनके गैमेटोफाइट के टिप पर पाए जाते हैं. ये हमने टिप को थोड़ा सा मॉडिफाई ऊपर डायग्राम देखें, ये हमने टिप को दिखाया हुआ है. तो ये जो है
जैसे ये जो है ये फीमेल, ये मेल प्लांट का टिप हो गया, मेल गैमेटोफाइट का टिप हो गया, और ये जो है वो फीमेल गैमेटोफाइट का टिप हो जाता है। अच्छा, अब मेल गैमेटोफाइट के टिप पे आप देख रहे हैं एक स्ट्रक्चर पाया जा रहा होता है जिसमें हमारे पास जो है एंथीलिडिया मौजूद है। ये मेल सेक्स ऑर्गन होते हैं, एंथीलिडिया को आप मेल सेक्स ऑर्गन भी कहते हैं, इनके अंदर मेल गैमेट तैयार। इनका जो मेल गैमेट है वैसे आप स्पर्म भी कह सकते हैं, लेकिन इनका जो मेल गैमेट होता है हम एंथेरोसाइट्स कहते हैं। ये जो स्पर्म है इनके स्पर्म को हम एंथेरोसाइट्स भी कहते हैं, ठीक है। तो ये इनके मेल गैमेट हो गए जी, माइटोसिस के जरिए तैयार होते हैं, इनका क्रोमोसोम की तादाद एन ही। इसी तरीके से जो फीमेल गैमेटोफाइट है उसकी टिप में आपको मिलेगा फीमेल सेक्स ऑर्गन जिसको हम कहते हैं आर्टिकुलेट, फ्लास्क की शेप का होता है जिसमें नेक होती है और वेंट्रल होता है। ये इसके आर्टिकोनिया हो गया, ये इसके अंदर जो है आर्टिकोनिया है, इसमें ये नेक कहलाती है और निचला हिस्सा जो है वो वेंट्रल कहलाता है। इस वेंट्रल के अंदर जो है वो फीमेल सेक्स गैमेट यानी फीमेल गैमेट तैयार होता है जिसको हम कहते हैं एग्स, ये फीमेल गैमेट है, और इसमें जो है ये जो स्पर्म एंड्रोसाइट है ये मेल। तो ये मेल और फीमेल गैमेटोफाइट जो है अपने सेक्स ऑर्गन यानी एंथीलिडिया और आर्टिकोनिया में गैमेट तैयार करते हैं बाय माइटोसिस, क्रोमोसोम की तादाद इनमें एन ही रहती है। मेल गैमेट जो है वो एंड्रोसाइट्स कहलाते हैं जबकि फीमेल गैमेट जो है वो एग सेल्स कहलाते हैं। फिर यहाँ फर्टिलाइजेशन होती है, कैसे फर्टिलाइजेशन होती है, ये स्पर्म्स निकलते हैं वाटर की जो ये ब्रायोफाइट है, नीड वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन, इनको वाटर चाहिए होता है फॉर फर्टिलाइजेशन, इनको फर्टिलाइजेशन के लिए पानी चाहिए होता है, ठीक है। इनके जो डेवलपमेंट है डेवलपमेंट ज्यादा नहीं होती है, लिहाजा इनको पानी की थोड़ी सी भी फिल्म होगी तो पानी इनके लिए काफी होता है। और ये जो है जाइगोट जो है यहाँ से निकलते हैं स्पोरोफिट में से, सॉरी जाइगोट कह रहा हूँ, एंथ्रोसाइट जो है वो एंथेलियम से निकलते हैं, फिर पानी के जरिए यहाँ पर आर्चिगोनिया के अंदर आकर एग सेल को फर्टिलाइज, ये स्पर्म्स यहाँ निकलेंगे पानी की मदद से, ये ऐसे एंटर होंगे इस एग सेल को फर्टिलाइज करते हैं, ठीक है। यहाँ वाटर की जरूरत पड़ जाती है। अच्छा, अब एग सेल फर्टिलाइज होने के बाद ये बन जाता है जाइगोट, और फिर जाइगोट जो है वो डिवेलप होके बनता है एम्ब्रियो। ये एम्ब्रियो जो है फीमेल गैमेटोफाइट ही में रह रहा है, फीमेल गैमेटोफाइट का जो सेक्स ऑर्गन है आर्टिकोनिया उसी में ये मौजूद है, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो अब यहाँ पर आते हैं इस डायग्राम पर, ये जो एग सेल है ये फर्टिलाइज हो चुका है और ये तैयार हो गया एम्ब्रियो के अंदर क्रोमोसोम की तादाद डबल डिप्लॉय। अब ये एम्ब्रियो जो है वो डिवेलप होता है, जर्मिनेट होता है, और यहीं से जर्मिनेट होके स्पोरोफाइट की शक्ल तैयार होता है, ठीक है। तो अब ये जो स्पोरोफाइट है ये फीमेल गैमेटोफाइट से अटैच हुआ हुआ है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं स्पोरोफाइट डिवेलप्स डेवलप फ्रॉम फीमेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट से ये डेवलप होता है, ठीक है। तो हुआ क्या, एंथ्रीडिया में से एंथ्रोसाइट्स निकले पानी की मदद से, ये आर्टिकोनिया के अंदर आते हैं और आर्टिकोनिया के अंदर पाए जाने वाले एग सेल को फर्टिलाइज करते हैं। अब ये एग सेल बन गया जाइगोट और जाइगोट बन जाता है थोड़ी देर के बाद एम्ब्रियो। एम्ब्रियो जो है वो अभी भी आर्टिकोनिया के अंदर मौजूद है, फिर ये एम्ब्रियो डेवलप होता है, आर्टिकोनिया में से निकलता है और ये बनता है स्पोरोसाइट। अब स्पोरोसाइट में तीन हिस्से होते हैं कि इसका जो निचला हिस्सा होता है इसको आप कहते हो, फिर ये जो इसकी स्टॉक होती है पूरी इसको आप सीधा कहते हो, और जो टॉप होता है इसको आप कहते हो कैप्सूल, ठीक है। ये कैप्सूल, ये कैप्सूल है, ये सारा सीधा है और नीचे की तरफ मौजूद है। अब इस कैप्सूल के अंदर जो है स्पोर होता है, स्पोर मदर सेल होता है, एक स्पोर मदर सेल होता है, बड़ा सेल होता है थोड़ा सा, ये डिप्लॉइड सेल होता है स्पोर मदर सेल, और ये डिप्लॉइड होता है, ये मायोसिस के जरिए चार स्पोर तैयार करता है, मायोसिस के जरिए चार स्पोर तैयार करेगा और वो चार स्पोर जो है वो हैप्लॉइड, चार स्पोर मदी माइटोसिस के जरिए बहुत सारे स्पोर को तैयार कर लेते हैं, और फिर ये कैप्सूल जो है फटता है, रप्चर होता है, ये कैप्सूल में से निकलते हैं, ये देखो ये कैप्सूल रप्चर हुआ और इसमें से ये निकल गया, अब फिर ये स्पोर जो है वो डिवेलप होना शुरू होता है, और डिवेलप होके जो इनिशियल आपके पास गैमेटोफाइट बनता है उसको कहते हैं प्रोटोनीमा, ठीक है, प्रोटोनीमा होता है। तो प्रोटोनीमा से जो है ये आपका जो है वो गैमेटोफाइट बन जाता है। तो
ये था आपके पास फुलेरिया, इसकी लाइफ साइकिल हमने जब मॉसिस पढ़ी थी तब भी हमने देखा था, एक नजर और देख लिया हमने। अब आते हैं हम अगले प्लांट की तरफ, दैट इज राइनिया। अभी इसकी लाइफ साइकिल को हमें देखना होगा। राइनिया जो है एक एक्सटिंक्ट प्लांट है, यानी कि ये अब खत्म हो गया। अब आपको ये नहीं मिलता, ये तकरीबन 350 मिलियन साल पहले का प्लांट है। अब तो बस इसके आपको फॉसल्स मिलते हैं, ये एक्चुअल में अब आपके पास दुनिया में नहीं है। इसकी हमने जितनी भी स्टडी की है वो हमने इसके फॉसल्स की सूरत देखी है। हाँ, इसके फॉसल्स जो है वो बहुत ही रिजर्व फॉर्म में मिले हैं। तो स्कॉटलैंड का एक शहर था राइनिया, उधर से इसके फॉसल्स को डिस्कवर किया गया था, लिहाजा इसका नाम जो है वो उसी लोकेशन के बिना पर रख दिया गया है। एक एक्सटिंक्ट प्लांट है, 350 मिलियन साल पहले पाया। इसका ताल्लुक जो है वो ट्रैशियोफाइट्स का जो पहला ग्रुप है सिलोपसीडा, उससे ताल्लुक है। और सिलोपसीडा के अंदर कोई भी लिविंग एक स्पीशीज अब आपके पास मौजूद नहीं है, सारे एक्सटिंक्ट हो गए। ठीक है, सिलोपसीडा की कोई भी लिविंग एग्जाम्पल हमारे पास आज इस दुनिया में नहीं है, ऑल आर एक्सटिंक्ट। एंड हम जिसका स्टडी कर रहे हैं बताएंगे वो एक्सटिंक्ट है। अब ये इसकी प्लांट बॉडी है जी, ये देखने इसकी प्लांट बॉडी, इसकी प्लांट बॉडी में नीचे की तरफ जो है ये है जी राइजोइड्स। ये राइजोइड्स हैं जिनके जरिए ये वाटर को एब्जॉर्ब करता है। हालांकि ये ट्रैशोफाइट्स हैं और ट्रैशोफाइट्स के जनरल करेक्टर्स मैंने आपको बताया था कि रूट स्टेम भी मौजूद होता है, लेकिन ये सिलोपसीडा ट्रैशोफाइट्स की बिल्कुल पहली क्लास होता है। ब्रायोफाइट्स से ये ताज़ा ताज़ा इवॉल्व होते हैं, तो ये अपने रूट्स नहीं बना पाए, लेकिन इनके बाद की जो क्लासेस हैं उन्होंने अपने रूट्स को इवॉल्व कर दिया। तो ये राइजोइड्स इनमें मौजूद होती हैं। फिर इनका जो स्टेम होता है वो दो पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है। ये वाला जो पार्ट है जो जमीन से पैरेलल होता है इसको हम कहते हैं राइजोम। ये अंडरग्राउंड भी होता है और बास केसेस के अंदर ये जमीन से थोड़ा सा ऊपर भी होता है। फिर इसमें से इरेक्ट ब्रांचेस निकलती है, इनको हम कहते हैं एरियल ब्रांचेस। एरियल ब्रांचेस निकलती है जी इनमें से। अब एरियल ब्रांचेस जो होती है वो डाइकोटोमियस की ब्रांच होती है, यानी हर एक ब्रांच दो ब्रांच की तकसीम होती रहती है। ये लीफलेस प्लांट होता है, इसमें कोई लीफ नहीं होता, लीफलेस प्लांट है जी। हालांकि वही बात की थी ट्रैशोफाइट्स में तो लीफ होनी चाहिए, लेकिन इसमें अभी लीफ इवॉल्व नहीं। तो लीफलेट प्लांट होता है, इसमें राइजोइड्स है नहीं है, इनका जो स्टेम है वो अंडरग्राउंड राइजोम और डाइकोटोमियस की ब्रांच वाली एरियल स्टेम पर होता है। इसका स्टेम जो है यही देखिए आप ग्रीन कलर का है, यही फोटोसिंथेसिस करता है। तो स्टेम जो होता है इज फोटोसिंथेटिक, इसी में जो है वो फोटोसिंथेटिक वाले जो सेल्स मौजूद होते हैं तो ये पूरी फोटोसिंथेसिस कर रहा होता है। और इसके बाद इसके जरा स्पोरेंजियम की तरफ आए तो इनकी जो ब्रांचेस की टिप मौजूद होती है यहाँ पर स्पेशलाइज स्ट्रक्चर तैयार होते हैं जिसको हम कहते हैं इसको रेंजियम। और इस स्पोरेंजियम के अंदर स्पोर्स तैयार होते हैं, लिहाजा ये जो मेन प्लांट हो गया ये स्पोरोफाइट हो गया, और इसी करेक्टर की वजह से हम इसको इसमें डालते हैं ट्रैशोफाइट। और दूसरा इसमें वैस्कुलर टिश्यूज भी मौजूद होते हैं, तो अभी हम वो देख लेते हैं। तो इनकी जो ब्रांचेस की टिप होती है उनमें एक स्पेशलाइज स्ट्रक्चर डेवलप होता है, डेट इज कॉल्ड स्पोरेंजियम। और स्पोरेंजियम में स्पोर्स तैयार होते हैं, स्पोर्स आर फॉर्म्ड स्पोरेंजियम में, स्पोर्स आर फॉर्म्ड स्पोरेंजियम में स्पोर्स तैयार होते हैं। और ये जो स्पोर्स होते हैं ये एक ही जैसे होते हैं, यानी कि कोई दो अलग अलग किस्म के स्पोर्स नहीं होते, तो ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं होमोस्पोरस। ये होमोस्पोरस प्लांट होता है, मेन प्लांट इनका स्पोरोफाइटिक है और स्पोर्स एक ही जैसे तैयार होने जा रही है, स्पोरो होमोस्पोरस होता है। और आपको पता है कि जो होमोस्पोरस से अगर गैमेटोफाइट डेवलप होते हैं तो वो फिर मोनोशियस होते हैं। ये भी मैंने आपको टर्म बताया है, मोनोशियस का मतलब होता है एक ही प्लांट के अंदर दोनों ऑर्गन जो है ना सेक्स ऑर्गन वो एक ही प्लांट में पाए जाते हैं, उनको हम कहते हैं मोनोशियस। ये मोनोशियस होता है। अब ये इसके स्पोरेंजियम के अंदर स्पोर्स तैयार होगा। ये जो स्पोरोफाइटिक प्लांट होता है इसमें क्रोमोसोम की तादाद डबल होती है। स्पोरेंजियम में जो स्पोर होगा पहले वो एक मदर सेल होगा, फिर उससे मायोसिस के जरिए स्पोर्स तैयार होंगे। तो स्पोर्स के अंदर जो है आपके पास स्पोर्स जो है वो हैप्लॉइड नंबर्स के होते हैं। तो ये स्पोर्स जो है वो फटते हैं, जमीन में जाते हैं, जर्मिनेट करते हैं, जर्मिनेट से इनका गैमेटोफाइट तैयार होता है। अब वो गैमेटोफाइट जो है वो चूंकि मोनोशियस है तो एक ही गैमेटोफाइट में मेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडिया और फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्किगोनिया दोनों पाए गए। एंथ्रीडिया मेल गैमेट बनाएगा, आर्किगोनिया फीमेल गैमेट बनाएगा। आर्किगोनिया का गैमेट अंदर ही रहता है, जबकि एंथ्रीडिया का जो मेल गैमेट है वो निकलेगा पानी की मदद से स्विम करता हुआ, आर्किगोनिया में आके एग्स को फर्टिलाइज कर देगा, तैयार हो जाएगा जाइगोट। फिर जाइगोट अंदर ही आर्किगोनिया में ही रहते हुए डेवलप करता है और फिर तैयार उसमें से जो डेवलपमेंट होती है तो फिर आपका ये स्पोरोफाइट राइनिया। अगर हम क्रोमोसोम्स की तादाद की बात करें तो स्पोरेंजियम के अंदर जो क्रोमोसोम
तैयार करता है, स्पोर्ट जब निकल के किए में जनरेट होंगे तो वो माइटोसिस के जरिए होते हैं, गैमेटोफाइट में सिंगल क्रोमोसोम एन नंबर ऑफ, फिर दोनों गैमेट जब फर्टिलाइज होंगे तो डबल डिप्लॉयड हो जाएगा और स्पोर्ट स्पोर ये जो है स्पोरोफाइट ये डिप्लॉयड हो जाता है। इसकी तरह टीएस को भी देख लेते हैं ताकि हमें ट्रेसोफाइट का एक और करेक्टर कंफर्म हो जाए। अगर हम इसके स्टेम का ट्रांसवर्स सेक्शन देखते हैं तो स्टेम में हमें बीच के अंदर ये जो बीच में आपको नजर आ रहा है ये जाइलम, इसके बीच के अंदर जाइलम पाया जा रहा होता है और जाइलम के आसपास देखें आप एक फ्लोएम की रिंग लगी, ये जाइलम फ्लोएम है, ये वैस्कुलर टिश्यू कहलाते हैं, लिहाजा ये वैस्कुलर प्लांट हो गया, इसके अंदर वैस्कुलर टिश्यू पाए जा रहे हैं और ये जो है वो ट्रेसोफाइट्स का दूसरा कैरेक्टर हो गया। उसके बाद इर्द गिर्द आपको जितना भी टिश्यू नजर आ रहा है ये सब कॉर्टेक्स कहलाता है, ये सब कहलाता है कॉर्टेक्स। फिर कॉर्टेक्स के बाहर बिल्कुल एक आउटर लेयर होती है उसको हम कहते हैं एपिडर्मस। एपिडर्मस के ऊपर हमने पढ़ा था क्यूटिकल डिवेलप कर लेते हैं ताकि ट्रांसपायरेशन को रोका जा सके और इस क्यूटिकल के अंदर जगह जगह स्ट्रोमेटा मौजूद होते हैं जिनके जरिए कैसे, तो ये इसका इंटरनल स्ट्रक्चर है, देख रहे हैं हम क्या हमें काफी लेयर्स नजर आ रही है और वैस्कुलर टिश्यू नजर आ रहा है। तो ये हो गया हमारे पास राइनिया और उसकी लाइफ साइकिल। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन स्लेजिनेला। स्लेजिनेला प्लांट ये है जी अक्सर बहुत कॉमन नजर आ रहा होता है अक्सर हमें और घरों के अंदर भी होता है, खुद मेरे घर के अंदर भी ये वाला प्लांट मौजूद है। स्लेजिनेला की अगर हम बात करें तो नंबर वन कि ये लाइकोप्सिडा से ताल्लुक रखता है, लाइकोप्सिडा जो है वो ट्रेसोफाइट का दूसरा ग्रुप हमने पढ़ा था, पहला ग्रुप वही है जिसकी एग्जाम्पल हमने पढ़ी सिलोप्सिडा का एग्जाम्पल लाइन या पढ़ा अभी, और ट्रेसोफाइट का जो दूसरा ग्रुप था लाइकोप्सिडा उसकी एग्जाम्पल है स्लेजिनेला, क्योंकि ट्रेसोफाइट का लिहाजा ये भी वैस्कुलर प्लांट होगा, ये भी वैस्कुलर प्लांट है और इसका भी जो डोमिनेंट प्लांट है यानी कि स्लेजिनेला वो स्पोरोफाइट होता है, ये स्पोरोफाइट ठीक है, ये ट्रैशोफाइट्स होंगे तो कुछ स्टेम भी इसमें मौजूद होती है। अच्छा सिलोप्सीडा में जो अभी हमने इससे ऊपर वाली से पहले वाली क्लास थी सिलोप्सीडा में सभी का रूट्स नहीं राइट वाइड बट इसमें रूट्स है, इनके अंदर इसका स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो इनके पास ये राइजोम होता है, ये जो होता है जो पैरेलल जमीन से है इसको हम राइजोम कह रहे होते हैं और ये जमीन सबसे ऊपर ही होता है अक्सर जमीन से चिपका हुआ भी होता है। फिर राइजोम से इरेक्ट ब्रांचेस निकलती हैं जिनको हम एरियल ब्रांचेस कहते हैं, ये एरियल ब्रांचेस हैं, एरियल ब्रांचेस के अंदर आपको लीफ मिल रहा है, ये लीव्स नजर आ रहे हैं आपको देख रहे हैं ये सब लीव्स हैं, लीव्स मौजूद है इसके पास, एक इनके अंदर स्पेशल स्ट्रक्चर होता है हमने बात की थी राइजोफोर जो कि स्टेम और दोनों के बीच का करेक्टर है। फिर इस राइजोफोर से हमारे पास डेवलप होती है रूट, ये जो रूट्स हैं ये एडवेंटिशियस होती हैं लेकिन बार रूट्स आगे तो इससे जो प्रीवियस क्लास थी सिलोप्सीडा उसमें रूट्स नहीं इस वाले में इवॉल्व हो गई, इससे पिछली क्लास में लीफ नहीं थी इस वाले में लीफ इवॉल्व हो गई ठीक है, तो अब ये और ज्यादा अच्छा पिछले ग्रुप्स की नस्बत और ज्यादा इवॉल्व हुआ। अब इसके हमने जब ये क्लास पढ़ी थी हमने बताया था कि आपको एरियल ब्रांचेस की जो टिप होती है उसके अंदर एक स्पेशल स्ट्रक्चर डेवलप हो जाता है जिसको हम कहते हैं कोन, ये कोन का स्ट्रक्चर, कोन को हम स्पेशलाइज स्ट्रक्चर यूं कह रहे हैं क्योंकि ये स्पोर्स प्रोड्यूसिंग बॉडी पैदा करता है, ये कोन का स्ट्रक्चर है। इस कोन के स्ट्रक्चर में अगर हम देखें तो ऊपर के जो लीव्स होते हैं उनको हम कहते हैं माइक्रोस्पोरोफिल, जबकि नीचे के जो लीव्स होते हैं उनको हम कहते हैं मेगा। माइक्रोस्पोरोफिल्स के अंदर एक स्ट्रक्चर डिवेलप होता है जिसको हम कहते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम, जबकि मेगा स्पोरोफिल के अंदर एक स्ट्रक्चर डिवेलप होता है जिसको हम कहते हैं मेगा। दोनों स्पोर तैयार करते हैं, एक माइक्रोस्पोर तैयार करता है एक मेगा स्पोर तैयार करता है, माइक्रोस्पोर छोटे होते हैं मेगा स्पोर बड़े होते हैं, चूंकि हम देख रहे हैं दो किस्म के स्पोर तैयार हो रहे हैं लिहाजा ये वाला प्लांट हाइड्रोस्पोरस होता है, हाइड्रोस्पोरस होता है ये और इससे जो आपका गैमेटोफाइट तैयार होगा वो डायोशियस होगा, डायोशियस होता है। इसी ग्रुप में आपको होमोस्पोरस की कंडीशन लाइकोपोडियम बताया, तो ये हमारे पास हो गया स्लेजिनेला का मेन प्लांट विच इज स्पोरोफाइट, इसके अंदर इरेक्ट ब्रांचेस जो है इसके अंदर जो एरियल ब्रांचेस हैं उनमें स्पेशल स्ट्रक्चर है दैट इज कॉल्ड कोन, और कोन के स्ट्रक्चर में हम देख रहे हैं दो अलग अलग स्पोरेंजियम है और दो अलग अलग स्पोर्स तैयार हुए हैं। अब इसकी लाइफ साइकिल को देखें जरा, ये इसकी लाइफ साइकिल है, ये हमारे पास आ गया, ये हमारे पास आ गया मेन स्पोरोफाइटिक प्लांट और इसका ये जो है ये इसका स्ट्रोबिलस है या कोन है। अब कोन के अंदर देखें जी ये शुरू में जो ऊपर की तरफ है ये माइक्रो स्पोर्स है जबकि नीचे की तरफ जो है वो मेगा स्पोर्स है, बड़े वाले छोटे वाले, या इन्होंने साइड में भी दिखा दिया तो कोई इतना इशू नहीं है। फिर आते हैं जी
माइक्रोस्पोर्स, माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर तैयार होते हैं ये माइक्रोस्पोर, जबकि मेगास्पोरेंजियम के अंदर तैयार होते हैं ये मेगास्पोर। अच्छा, अब ये अपने ही अंदर गैमेटोफाइट को जर्मिनेट करते हैं, ये कोई जमीन से निकल के बाहर जाकर के या स्पून से निकल के बाहर निकल के नहीं, ये माइक्रोस्पोर अपने ही अंदर मेल गैमेटोफाइट को जर्मिनेट करते हैं, जबकि मेगास्पोर अपने ही अंदर जो है वो फीमेल गैमेटोफाइट को जर्मिनेट करते हैं। तो ये अभी माइक्रोस्पोर है, मेगास्पोर है, और ये जर्मिनेट होने के बाद अब ये हो गया मेल गैमेटोफाइट, ये हो गया फीमेल गैमेटोफाइट। अब मेल गैमेटोफाइट के अंदर तैयार होते हैं मेल गैमेट्स स्पर्म्स के नाम से, जो कि वहां से निकलेंगे वाटर की पतली सी फिल्म की मौजूदगी में भी, पानी की हल्की सी तह की वजह से भी ये जो है वो इसमें फीमेल गैमेटोफाइट में आते हैं, और यहाँ मौजूद होता है ये फीमेल गैमेट, इसको फर्टिलाइज कर देते हैं। अब आर्चिगोनिया के अंदर ही फीमेल गैमेट फर्टिलाइज हो गया और ये तैयार हो गया जाइगोट, जाइगोट डिवेलप होके ये फर्टिलाइजेशन दिखा रहे हैं कि ये स्पर्म्स आ रहे हैं और ये एग्स को फर्टिलाइज कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर ये जाइगोट तैयार हो गया, ये जाइगोट तैयार हो गया, देखिए ये जाइगोट जो है आर्चिगोनिया के अंदर ही तैयार हुआ है, यानी कि फीमेल गैमेट है ना आर्चिगोनिया के अंदर है, फीमेल गैमेट वो कन्वर्ट हो गया है अब जाइगोट के अंदर, फिर जाइगोट जो है वो डेवलप करता है और फिर ये स्पोरोफाइट बन जाता है। तो ये थी आपके पास फ्लैजिनेला की लाइफ साइकिल। तो हमारे पास चार लाइफ साइकिल्स को स्टडी करना था, एक हमने मोसिस की फुनेरियस की फुनेरिया की लाइफ साइकिल को स्टडी किया जो कि मोसिस की एग्जाम्पल है, एक हमने जो है वो फ्लैजिनेला की लाइफ साइकिल को स्टडी किया जो कि लाइकोप्सिडा की एग्जाम्पल, और तीसरी हमने राइनिया को स्टडी किया जो सिलोप्सिडा की एग्जाम्पल। एक और लाइफ साइकिल हमारे पास है जो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे फंस की लाइफ साइकिल को। वैसे तो हमने जब फंस का करेक्टर पढ़ा था, यानी कि जो चौथी क्लास थी ट्रैशोफाइट्स की टेरियोप्सिडा, उससे ताल्लुक होता है फंस का, तो हमने उसमें भी स्टडी किया था, लेकिन इसको भी इंशाल्लाह हम कल की क्लास में स्टडी कर लेंगे। बाकी टॉपिक को इंशाल्लाह कल की क्लास में निपटाते हैं। ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज़।